बात करेंगे उस एक चीज के बारे में जो आपको समर में जरूर करनी चाहिए टू स्टे फिट, टू स्टे हेल्दी, टू लूज योर वेट, टू बूस्ट योर एनर्जी लेवल, टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तो कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है, कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ही असेंशियल है आपके बॉडी के हर फंक्शन में। सो नियरली ऑल आवर बॉडी फंक्शन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वन थिंग, दैट इज वाटर। हमारी बॉडी जो है वो मोस्टली फ्लूइड से बनी है, उसके हर फंक्शन में, हर हमारे जो मेटाबॉलिक एक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन होता है हमारे नर्व्स के अंदर, हर जगह फ्लूइड है। यू विल बी सरप्राइज्ड कि पानी के बिना हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसी सिंपल चीज़ें, ट्रिक्स या फिर हैक्स या कहेंगे टिप्स to increase your water intake during summers। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से important functions होते हैं, जल्दी से मैं बताऊंगी, जो water जो है आपकी body के अंदर या fluid है वो perform करता है। So आपकी body के अंदर body के temperature को maintain करने के लिए, toxins को flush out करने के लिए, waste को flush out करने के लिए, आपके brain के सही function के लिए, आपके मुँह के अंदर saliva को बनाए रखने के लिए ताकि digestion अच्छा रहे, आपकी tissues को moist रखने के लिए, आपकी आईज के लिए, नोज के लिए, माउथ के लिए, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टिश्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने के लिए पूरी बॉडी में, ऑक्सीजन को सेल तक ले जाने के लिए, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए, आपकी किडनी को लोड से बचाने के लिए, उससे फ्लश आउट करने के लिए, लिवर से वेस्ट को फ्लश आउट करने के लिए, एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स को डिसॉल्व करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए आपको पानी चाहिए। इन शॉर्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ऑप्टिमल लेवल ऑफ फ्लूइड इन आवर बॉडी, ताकि आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका पूरा जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छी तरह फंक्शन करते रहें, सेल से लेकर, टिश्यू से लेकर, ऑर्गन से लेकर, पूरे बॉडी की जो सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सबको फ्लूइड चाहिए। तो कितना फ्लूइड आपको लेना चाहिए, कितना पानी आपको लेना चाहिए, एज पर डाइट्री गाइडलाइंस 35 ml पानी पर kg ऑफ योर बॉडी वेट आपको चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 8 glass पानी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 liter के आसपास कम से कम आपको पानी पीना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया में वेदर कैसा है, एनवायरमेंट कैसा है, किस तरह की जगह पर आप रह रहे हैं वो भी डिटरमाइन करता है, आपका एक्टिविटी लेवल भी डिटरमाइन करता है कि कितना आपको पानी पीना चाहिए। ज़्यादा एक्टिव है तो आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, बिकॉज स्वेट के जरिए पानी जा रहा है। अगर आप कैफीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, चाय, तो वो ड्यूरेटिक होता है, उससे विटामिन एंड मिनरल्स जा सकते हैं अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी को आप उसे रिप्लेनिश ना करें। सो वैसे ये भी कहते हैं कि हमें पानी तब पीना चाहिए जब हमें प्यास लगे, लेकिन होता क्या है, आजकल हम सब लोग इंडोर रहते हैं एसी के अंदर, हमें पानी का या प्यास का एहसास नहीं होता है, वी डोंट फील दैट थ्रस्ट वाटर के लिए, हमें महसूस नहीं होता है। ऐसे में हमें हल्का हल्का सर दर्द होता है, वी फील टायर्ड, हमारी स्किन थोड़ी सी हमें लगती है कि ड्राई हो रही है, ये सारे साइंस हैं ऑफ डिहाइड्रेशन, लेकिन हमें इन साइंस का वेट नहीं करना चाहिए, वी शुड कीप यू नो आर सेल्फ हाइड्रेटेड नेचुरली। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉरगेटिंग कि हमें पानी नहीं पिया है क्योंकि हमें प्यास महसूस नहीं हो रही है बिकॉज हम एसी के अंदर हैं, वी शुड फॉलो सम सिंपल टिप्स टू कीप आर सेल्फ हाइड्रेटेड, जिसमें पहली मेरी जो टिप है जो मैं फॉलो करती हूँ, दैट इज ऑलवेज एसोशिएट और लिंक वाटर कंजप्शन टू योर डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज और डेली हैबिट्स। जैसे कि सुबह उठने के बाद आप पानी पीजिए, वो एक हैबिट हो गई, उसके बाद नहाने के बाद 1 glass पानी पीजिए, मील से आप आधा घंटे पहले पानी ले सकते हैं, मील के बाद आप पानी ले सकते हैं, सोने से पहले ले सकते हैं, मेक श्योर अपने वर्कआउट सेशन के बाद आप ज़रूर आधा से 1 glass पानी पीजिए, बैठ के आराम से सिप सिप, ताकि आपके मसल से जो फ्लूइड का लॉस हुआ है उसके अंदर जो लुब्रिकेशन चाहिए उसे वो बनी रहे। प्रोटीन लेने से पहले आप पानी पीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपकी मसल्स जो है वो ठीक से रिकवर नहीं हो पाएंगी, आपकी बॉडी ठीक से रिकवर नहीं हो पाएगी। सो मे बी ड्यूरिंग द सेशन आप सिप सिप करके थोड़ा पानी ले सकते हैं, कई लोगों को ज़्यादा पानी पीने से वर्कआउट के दौरान क्रैम्प्स होते हैं स्टमक में, टू अवॉइड दैट मेक श्योर कि आप छोटी छोटी सिप्स में पानी लिए। ऑलवेज कैरी अ रीयूजेबल वाटर बॉटल, मैं हमेशा अपने साथ ये अभी भी इसके अंदर पानी है कैरी करती हूँ, एंड इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी कि मुझे पानी पीना है, एंड मेक श्योर जैसे ही ये खाली हो इसे आप दोबारा से फिल कर लीजिए। आप कॉपर की बॉटल यूज़ कर सकते हैं, ग्लास की यूज़ कर सकते हैं, क्ले वाटर, एक मल्टी मेटल भी मेरे पास है यहाँ पर बॉटल जो बहुत अच्छी है,
तो आप मेक श्योर अवॉइड प्लास्टिक, लेकिन आप बाकी कोई भी बॉटल यूज कर सकते हैं। ग्लास की बॉटल हेल्प करेगी, ट्रांसपेरेंट होगा, आपको दिखता रहेगा आपने कितने कंज्यूम किया है। नेक्स्ट इज इंक्लूड डिटॉक्स वाटर इन योर डाइट। तो डिटॉक्स वाटर होते हैं इन्फ्यूज वाटर, आप उसके अंदर फ्रूट को इन्फ्यूज कर सकते हो, आप उसके अंदर हर्ब्स को इन्फ्यूज कर सकते हो, आप वेजिटेबल्स को इन्फ्यूज कर सकते हो, ग्रीन टी को इन्फ्यूज कर सकते हो, चिया सीड्स को इन्फ्यूज कर सकते हो। सो ये भी जब आप बना के रखेंगे ऐसे टेस्टी से वाटर, तो ना सिर्फ आपको अर्ज होगी टू फिनिश दैट वाटर, बट ऑल्सो आप हाइड्रेट भी रहेंगे और आपको टेस्ट भी मिलेगा। इनके अंदर थोड़े से ट्रेस मिनरल्स और विटामिन्स भी मिलेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई रहेगा। सो डू इंक्लूड डिटॉक्स और इन्फ्यूज वाटर इन योर डाइट। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है हर्बल टी भी कंज्यूम कीजिए। तो जो जेंटल हर्ब्स होते हैं समर्स के, जैसे कि फेनल सीड्स हैं या फिर कार्डमम है, मिंट है, लेमन है, लेमन ग्रास है, ये सब आप स्टॉक करके रख सकते हैं और इससे आप वाटर बना सकते हैं, आप टी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो ये कि आप वाटर को ईट करें। हाउ विल यू ईट योर वाटर? तो समर के जितने भी फ्रूट्स आते हैं दे आर हाई इन वाटर कॉन्टेंट, तो उन्हें आप जरूर इंक्लूड करें। 1 to 2 सर्विंग्स ऑफ दोज फ्रूट्स कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जितना भी आप पानी कंज्यूम करते हैं उसका 30% जो है वो आपके फूड से आना चाहिए। तो ऐसे में आपका ये सारी जो फूड है वो उस जो रिक्वायरमेंट होता है उसे पूरा करेंगे। सो वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आते हैं दे आर ऑल हाई इन वाटर कंटेंट। पीच के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, क्यूकम्बर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, इनफैक्ट वेजिटेबल्स भी हैं जैसे कि जितने भी गॉड वेजिटेबल्स आती हैं, लौकी है, घिया है, टिंडा है, तोरी है, सबके अंदर पानी का अमाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज गो हाई टेक। तो आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ रही हैं जो आपको रिमाइंड कराती हैं कि आपको पानी पीना है, तो उसमें आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, आप उसके अंदर मेजर कर सकते हैं आपने कितना पानी पिया है। तो ऐसे कुछ ऐप्स हैं, फ्री ऐप्स आप देख सकते हैं, आई डोंट नो इनमें से कौन सी फ्री है, लेकिन दीज आर सम पॉपुलर ऐप्स जैसे कि हाइड्रो कोच है, डेली वाटर ट्रैकर है, हाइड्रेट है, वाटर लॉगर है, स्मार्ट वाटर है, हाइड्रेट मी है। तो ये सारे जो हैं इन केस आप सच में बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं और टेक्नोलॉजी पर आप ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो यू कैन यूज़ दीज ऐप्स। हालांकि पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे इतना ज़्यादा उनको यूज़ नहीं लगता, इनफैक्ट ये मुझे लगता है मेरे काम को बढ़ा रहे हैं बार बार मुझे अलर्ट दे के, रिमाइंड करा के। सो आई थिंक मुझे ऊपर वाले ऑप्शन ज़्यादा सूट करते हैं, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, इनफैक्ट मेरी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो इन ऐप्स को यूज़ करते हैं। सो इन केस यू आर कंफर्टेबल तो आप इन ऐप्स को यूज़ कर सकते हो अपने वाटर इनटेक को ट्रैक करने के लिए या फिर उसे इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो ये है कि यूज़ अ स्ट्रॉ टू ड्रिंक वाटर। तो हमेशा गल्प डाउन करने से क्या होगा, तो हर चीज़ का, हर जो भी हम अपने मुंह में लेते हैं उसका काम होता है, पानी का काम ये होता है कि आप स्लो से उसे ड्रिंक कीजिए सिप्स में, वो सलाइवा में मिक्स होगा और अपना काम करके धीरे धीरे जाएगा, जो जो उसका फंक्शन होता है, ना सिर्फ एक ही बारी में सारा नीचे। तो उसके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमाइंड आवर सेल्फ जब हम पानी पीते हैं। हमेशा यूजुअली मैंने देखा लोगों को बहुत जल्दबाजी में पानी पीते हैं, ऐसे में एक स्ट्रॉ रखिए आप और उसे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो आप स्ट्रॉ को छोड़ दीजिए। और हाँ, बैम्बू स्ट्रॉ को लेकर आइए घर के अंदर, बहुत हेल्दी होती है। डोंट ड्रिंक वाटर विद दोज पेपर स्ट्रॉज और प्लास्टिक स्ट्रॉज। आई वुड सजेस्ट कि स्टील की स्ट्रॉ अगर आप लेकर आए तो अच्छा रहेगा, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें हैं सिट्रस चीज़ें जिसमें आप किसी भी मेटल को ज़्यादा देर डिप करके रखेंगे तो वो हेल्दी नहीं रहता है। नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो ये है कि स्टे एक्टिव। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपको ज़्यादा महसूस होगा, उतना ज़्यादा आपका वाटर इनटेक बढ़ेगा। सो स्टेइंग एक्टिव एंड स्पेंडिंग टाइम आउटसाइड, हमेशा एसी भी नहीं रहें, थोड़ा विंडो या दरवाज़ा जो है खुला रखें, बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसे फील करें, वो भी अच्छा होता है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है कुछ जगह पे, जैसे दिल्ली में एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है, एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, लेकिन हमेशा एसी में रहना इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर ओवरऑल वेलबींग। स्पेंड सम टाइम आउटसाइड, मॉर्निंग्स में, इवनिंग्स में वॉक कर सकते हैं आप वर्कआउट करें ताकि आप एक्टिव रहें, आपको हाइड्रेट रखना याद रहे अपने आप को। लास्ट जो मेरी टिप है वो ये है कि क्योर योर हंगर पैंग्स, योर मूड स्विंग्स एंड योर हेडेक्स एंड योर लो एनर्जी लेवल्स विद वाटर। जब भी आपको लगे कि आप गर्मियों में लो ऑन एनर्जी फील कर रहे हैं, योर फीलिंग डिजीनेस या फिर सर दर्द आपको फील हो रहा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो गया है, उसका लेवल कम हो गया है। ऐसे में आप पानी के अंदर चुटकी भर पिंक सॉल्ट और चुटकी भर आप या तो जागरी पाउडर डाल सकते हैं, हनी डाल सकते हैं, कोई भी नेचुरल स्वीटनर डाल के आप उसे ड्रिंक कीजिए, इमीडिएटली आपको रिलीफ फील होगा। सो बेसिकली
मोस्टली गर्मियों में लो एनर्जी फील करने का रीजन होता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है। हम जब कॉफ़ी टी ज़्यादा लेते हैं, पानी भी ज़्यादा लेते हैं, तो मिनरल्स हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे में उन मिनरल्स को ये रिप्लेनिश करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दे आर बेसिकली सम मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड के मूवमेंट को बनाकर रखते हैं, पीएच लेवल को भी मेंटेन करते हैं, फ्लूइड के लेवल को भी मेंटेन करते हैं। तो आप ये ट्रिक उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू इंक्रीज वाटर इनटेक इन समर्स फॉर योर वेट लॉस। सो ये थी मेरी एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है फॉर वेट लॉस ड्यूरिंग समर्स। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। स्टे विद मी, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे एक्टिव। आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय।